एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हों करे वख्यान बेशमार अथा अगनत अतुल ज्यों बलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावो त्यों नानक दास बोले ग्यारह जहूर हाजरा हजूर सर्प कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी आप जी वडभागे हो गुरु साहब जी दी पावन हजूरी अंदर बैठ करके आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करदे हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल गुरु घर दे कीर्तनिए भाई सुखविंदर सिंह जी आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे सन। उपरंत इस पावन स्थान दे हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों आप जी ने पावन श्लोकों का मूल पाठ सरवण किया है। ये पावन श्लोक चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे उचारे हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1423 उत्ते सुभाए मान हन। इन्हां श्लोकां दे अंदर सतगुरु जी ने मन मुख दी भी गल कीती है ते गुरमुख दी भी गल कीती है। मन मुख ओ है जेड़ा अपने मन दे पिछे चलदा है ते गुरमुख ओ है जेड़ा गुरु दे उपदेश अनुसार अपना जीवन ढालद गुरु की शरण में आके गुरु की दसी हुई घाल कमाई करदा होया हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल दा धारनी हुंदा है। सो इना पावन श्लोकों के नाल जुड़ के गुरु साहब जी के उपदेश अपने हिरदिया विच वसाइए मन बिरतियां एकागर करो ध्यान गुरु चरणों में जोड़ो एक बार उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। साहब जी आखते हैं मनमुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित होमे कर्म कमाए वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड भरम ना जाए। मनमुख
इत्थे अर्थ कीता है मन दे पिछे चलण वाली जीव रूपी इस्त्री और जिहदे कह लो कि माड़े भाग हन वह मन दे पिछे चल रही है। असी सारे ही जीव रूपी इस्त्रियां हाँ। ठाकुर एक सबाई नार ते साडा मालक है वह अकाल पुरख। भावें संसार दे विच कोई इस्त्री है कोई पुरश है असी सारे जीव रूपी इस्त्रियां हाँ। ते ऐसी जीव रूपी इस्त्री दे बारे साहब जी गल करदे ने कि जेड़ी परमात्मा दी रजा नू समझदी नहीं है, परमात्मा दे हुक्म अनुसार नहीं चलदी, होमे दे आसरे मिथे हुए धार्मिक कर्म करदी रहिंदी। जेड़ा मनमुख है वह मन दे नाल ही सलाह करके चलदा है। जेड़ा गुरमुख है वह गुरु दे उपदेश अनुसार अपना जीवन ढालदा है। इत्थे तां उपदेश दिता गया हस्ती सिर ज्यों अंकस है ऐरन ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै उभी सेव करे। इत्थे ते मन तन अर्पण करके एकागर हो के सेवा करन दी गल कीती गई। इत्थे होमे अहंकार प्रमाण नहीं है गुरु दे घर विच। परमात्मा नू होमे अहंकार चंगा नहीं लगदा। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਗਰਭ ਨਾ ਪਾਇਓ ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸ ਪਾਏ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇਵੇਂ ਭਾਵਦਾ ਮਨਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਹਉਮੈ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬਿਖ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਸ ਕਾਲੇ ਰਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਪੰਖੀ ਕਪੋਤ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ,
ਜਿੱਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆਦਿ ਪੰਛੀ ਚੋਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖਵਾਇਆ ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਹਲਕ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਧ੍ਰਿਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਹਰ ਸਿਉਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਬੜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਸ਼ੂਆ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੇ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਕੂੜੋ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਖੋਜ ਲਹਿ ਜਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਮੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚਾੜੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਪਾਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਨਮੁੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ।
पर कई ताडे वेच ही बैठे ने ऐसे गुरमुख प्यारे जेडे रोज गुरु घर विच आउंदे ने, रोज गुरु घर विच आउंदे ने। एक सहजधारी जिन्हां नूं मैं जानदा शिलक्षण कुमार उन्हां दा नां, परलोक पयाना कर गए ने, परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणां नाल जोड़ी रखे। जदों विआह आनंद कारज होया ते सहुरे परिवार ने उन्हां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सरूप लै के दिता, तो शिलक्षण कुमार ने आख्या भी यही मेरा दाज है, कोई होर वस्तु नहीं देनी। इन्नी बाणी पढ़ी, इन्नी बाणी पढ़ी कि वखरा कमरा बनवाया। और रिटायर होए अपनी नौकरी तो, सरकारी नौकरी तो, मैट्रो विच सर्विस मिली तो सर्विस छड्ड दित्ती। कादे वास्ते? बाणी पढ़न लई टाइम नहीं लगता, तो जेड़ा काम मैनू बाणी पढ़न तो रोकदा है वो काम मैं करना नहीं है। उत्थे ड्यूटी भी तुहानू पता सख्त 12 घंटे की है। उन्होंने गुरबाणी पढ़न की खातर नौकरी त्याग दिती और 2008 तो जेड़ा भी हुक्मनामा दरबार साहब तो आया उहदा प्रिंट कढ़ा के फाइल बना के कहिंदे जदों दिल करदा जेड़ा भी हुक्मनामा पढ़ना होवे कई वारी मैं पढ़दा, मैनूं शांति मिलदी है, मैनूं सुकून मिलदा है। साढ़े नालों कई गुणा वध गुरबाणी उन्हां नूं याद सी। ऐसे भी ताडे विच भी बैठे हुए ने गुरद्वारा बंगला साहिब आप जी विराजमान हो, जेड़े नेता प्रति गुरु घरां विच हाजरी भरदे ने उन्हां दा नेम बन चुकिया है, चंगी गल है। गुरु दे घर विच हाजरी भरनी ते गुरु दी गल नूं भी मनना है। आपां पिता होवे ते पुत्र उहदियां परकरमां भी करी जावे, मुठी चापी भी करी जावे, उहदी गल ना मने ते फिर पिता कहिंदा भी तेरी मुठी चापी दी मैनूं लोड़ नहीं है, जिहड़ी भी मैं गल करदा तूं उह मनदा ही नहीं है, मेरी गल मन, मैनूं खुशी होवेगी कि मेरा पुत्र आग्याकार है। असीं गुरु दे उपदेशां नूं भी मनना है। जेड़ा मन दे पिछे तुरन वाला है, मनमुख छुट्टड़ कामणी भाई गुरदास जी दीआं वारां विच है, गुरमुख सुहाग। मनमुख उस इस्त्री वर्गा हुंदा जिन्हों उहदा पति त्याग दिंदा ते गुरमुख जेड़ा है वह सुहागन वर्गा हुंदा जिहदे उत्ते पति दी खुशी बनी रवे, पति सिर दे उत्ते कायम रवे, उस बच्ची नू उस बीबी नू आपां कहने ए सुहागन है, ए सुहाग भाग वाली है। ते गुरमुख दा नाता सदा गुरु दे नाल बनिया रहिंदा है, परमात्मा नू सिमरदा रहिंदा है। इस वास्ते गुरमुख दी गिणती सुहागणा विच है ते मनमुख दी जिहड़ी गिणती है उहदे वास्ते शब्द वरतिया मनमुख छुट्टड़ कामणी। फिर अगे आख्या कि जेड़ा मनमुख है वो कां वर्गा है ते गुरमुख जेड़ा है वो हंस वर्गा है। गुरमुख उज्जल हंस है, मनमुख है काग। हंस की करदा मान सरोवर दे विच वो डूंगी चुभी लाउंदा, वो रतन जवाहरा सुचे मोती प्राप्त करदा, उहदी खुराक है। ते जेड़ा गुरमुख है उहदी खुराक भी नाम बाणी है, ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। इहदे विच भी नाम रूपी रतन हन ते इह जिथे सत संगत विच तुसीं बैठे इहनूं भी समुंदर ही कहा गया है। इत्थे बह के भी आप रतन सुचे मोती चुकदे हो आ के गुरु दे कोलों। गुरु सब तो वड्डा मान सरोवर है। जेड़ा मनमुख है
जिदा बगला ते काग मान सरोवर ते हुण वी ते उथों उड के आ जांदे है, कहिंदे इत्थे ते भुख मरी है, कुछ नहीं हैगा। कोई समझावे भी हंस वांगू डूंगी चुभी लाओ, उहदे तों सिख लाओ जे कुछ प्राप्त करना है। पर हंस दी खुराक रतन जवाहरा सुचे मोती, बगले कां दी संगत डड्डियां मछियां। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਲਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕਵਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਾਗ। ਮਨਮੁੱਖ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਉਂ ਭਵਾਈ ਅੰਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਦੋ ਤਰਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਪਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਬੱਪੜੀ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਛਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ,
मैं करदियां ते भेख करदियां धार्मिक भेख बना के किसी ने कदे परमात्मा दे नाल सांझ नहीं पाई कि रब उहदे ते खुश होया होवे धार्मिक भेख वेख के ही नहीं तो बड़े लोग भेख बना के बैठे हैं ते होर भी बह जाण कि रब ते खुश हो ही जाणा है। एदा रब खुश नहीं हुंदा, एदा रब नहीं मिलदा। गुरमुख भगत विरले मन मानिया, कोई विरला जिहड़ा गुरु की शरण पै के परमात्मा की दसी हुई भगती विच उहदा मन गिजदा है, पर कोई विरला है ऐसा। हों हों करत नहीं सच पाइए, होमे दे नाल मेरी मेरी करदियां परमात्मा की प्राप्ति नहीं आउंदी। होमे जाए परम पद पाइए, जदों होमे अंदरों चले जावे गुरु की कृपा नाल फिर ही सब तो उच्ची पदवी प्राप्त होंदी है। परम कहिंदे ने उच्चे नूं। जे कोई चाहुंदा है कि मेरा सत्कार होवे सन्मान होवे संसार विच, फिर वह परमात्मा का नाम जपे, होमे का त्याग करे। जे को अपनी शोभा लोरै साध सांगे होमे छोरै, होमे का त्याग करेगा तो लोग कहणगे ये चंगा बंदा है, भला पुरश है। तो राजे महाराजे बड़े होए होमे कर राजे बहुतावे, जेड़े दूजे देशां दे उते होमे दा करके अहंकार दा करके हल्ला बोलते ने हमला करते ने। हुण भी रूस ते यूक्रेन की जंग लगी हुई है, अज तक बड़े राजे हो चुके ने ऐसे जेड़े दूजे ते हमला करते ने होमे दे अंदर होमे दे वस हो करके। होमे खपे जन्म मर आवे, होमे दा करके वो दुखी होंदे हन ते जन्म मरण दे गेड़ विच पैंदे हन। कहिंदे दूर किदां होनी है, होमे निवरै गुर शब्द विचारै। जदों कोई गुरु दे शब्द दी विचार करे ते वो अपने अंदरों होमे दूर कर लैंदा, होमे दूर हो जांदी है शब्द दी बरकत नाल। होमे दीर्घ रोग है दारू पीए समाए, है बड़ा वड्डा रोग पर ला इलाज नहीं इहदा, दारू हैगा ए। किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए, जदों रब मेहर करदा ते फिर गुरु दे शब्द की कमाई करदा मनुख। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। इस तरीके नाल होमे दा जिहड़ा रोग है वह दूर हो जाता है। जदों गुरु शब्द की विचार करदा, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, ऐसी मत जिहड़ी होमे विच फसाउण वाली है उहदा त्याग कर दिंदा है। ये जिहड़े काम क्रोध लोह मोह अहंकार पंज वैरी हन, इन्हां दा नाश करदा है ते फिर वो गुरु गुरु करदा अपना सोहना जीवन बना लैंदा है। ते जिन्ना चिर होमे विच है उन्ना चिर कोई गल नहीं बनदी, होमे दे करके इहदा जन्म मरन भी बनिया रहिंदा है, कदे जमदा है कदे मरदा है। हों विच आया हों विच गया, हों विच जम्मिया हों विच मूआ, होमे दे आसरे अपने रब नालों वक्री होंद समझदा है। ते जदों वक्री समझदा है रब नालों टुट जांदा है ते इहदा जीवन भी विकारी बन जांदा है। ठीक उस तरह जदों कोई पानी की वड्डी लहर समुंदर विचों उठदी है ते समुंदर दा कंडा पार करके वक्री हो जाए, कुछ समा लंघद अपने मूल नालों विछड़ी होने करके उहदे पानी विचों बदबू आउण लग जाती है। लोग उहदे कोलों लंघते ने, नक के उत्ते कपड़ा रख के लंघते ने, लोग थुक्कां पाते ने, क्यों? क्योंकि अपने मूल नालों टुट गई है। जिहड़ा बंदा अपने मूल दे नाल रब दे नाल जुड़िया रहिंदा है उहदे जीवन विचों ते शुभ गुणा दी आउंदी है सुगंधी, ते जिहड़ा अपने मूल नालों टुट जांदा है उहदे जीवन विचों फिर विकारां दी बदबू आउणी शुरू हो जांदी है। लोग फिर थुक्कां पांदे ने, लोग उहनूं बुरा कहिंदे हन।
कि ये बड़ा माड़ा इंसान है, ये विकारी पुरश है। इस वास्ते भाई परमात्मा का नाम जपते हुए सोहना जीवन बतीत करना है। ये वेखो मनमुख की गल दस रहे हैं गुरु साहब जी कि होमे दे आसरे मिथे हुए धार्मिक कर्म कमाउंदी ओ जीव रूपी स्त्री मन दे पिछे चलण वाली। वर्त नेम सुच संजम पूजा पखंड भरम ना जाए। ओ वर्त नेम सुच संजम ते देव पूजा दे वेच ही लगी रहिंदी है। ते गुरु साहब जी कहिंदे के पूजा कीचै नाम त्याई, केवल रब की पूजा करनी है। पूजा अकाल की, दीदार खालसे दा ते परचा शब्द दा। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। कबीर साहब कहिंदे मैं एक अकाल पुरख की ही पूजा करदा हाँ। ते अकाल पुरख की पूजा किदा हुंदी है? दीवे जगा के, धूफा तखा के? नहीं, इन्हां चीज़ां दी कोई लोड़ नहीं है। परमात्मा दी पूजा हुंदी उहदा नाम सिमर के, परमात्मा दा नाम सिमर के। पूजा कीचै नाम त्याई, विण नावे पूज ना होए। कहिंदे जे रब दी पूजा करनी है ते फिर उहदा नाम जपो, उहदा नाम जपना ही उहदी पूजा होवेगी। नाम तो बिना उहदी पूजा हो ही नहीं सकती। ते इत्थे कहिंदे कि वह जीव रूपी स्त्री इन्हां कर्मां विच ही लगी रहिंदी है। देव पूजा कर ली, सुच संजम, वर्त नेम। ते बाणी विच ते आख्या गया छोड़ै अन्न करै पखंड, ना सुहागण ना होए रंड। जग में बकते दूधा धारी, गुप्ती खावै वट कसारी। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਚੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਰੱਬ ਨੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ते नाल हदायत की 5ਵੇਂ पातशाह ने, जे प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। ये भोजन छक पर रब नू याद करया कर, जिदी कृपा नाल तेनू भोजन छकण नू मिले। कपड़े तन ते पाउना रब नू याद करया कर। घर विच सौना जदों छत वल तेरा ध्यान जांदा है, अरदास करया कर, धनवाद करदा होया रब दा भी सारिआं नू दई। एहो जिहा जीवन बना। ये विखावा है जिहड़े मिथे हुए धार्मिक कर्म करने, विखावा है। तो विखावे दे नाल मन की भटकना दूर नहीं हुंदी। अंतरों कसुद माया मोह बिधे, ज्यों हस्ती इशार उडाए। ऐसे मनुख अंदरों मैले रहिंदे ने, कसुद रहिंदे ने, माया दे मोह विच विधे हुए ने। उन्होंने ये मिथे हुए कर्म करना इस तरह है जिमें हाथी इनान करके अपने तन के उत्ते मिट्टी घटा पा लेंदे, सवाह पा लेंदे। जिन उपाए तिसे न चेतै, बिन चेते क्यों सुख पाए। उस परमात्मा नू याद ही नहीं करते मन के पिछे चलण वाले, जिस परमात्मा ने उन्होंने पैदा किया है। 84 लाख का सरदार कहिंदे ने तैनू मनुखा दे दिती है, रब का धनवाद ते कर, शुकराना ते कर उहदा कि रब जी बड़ी कृपा की, तुसी मैनू मनुखा दे दिती। एक ऐसा समा दिता जिथे तू जन्म मरण तो मुक्त हो सकदा है, परमात्मा दे दर ते प्रवान हो सकदा है, नाम जप के सेवा सिमरन करके। पर रब नू याद ही नहीं करदे। जिन उपाए तिसे न चेतै, उस परमात्मा नू चेते नहीं करदे जिस परमात्मा ने इन्हां नू पैदा किया है। बिन चेते क्यों सुख पाए, ते परमात्मा दे नाम सिमरन तो बिना
कदे भी सुख प्राप्त नहीं जे हुंदा। सुख आनंद मिलदा ही रब दा नाम जप के है, रब दे गुण गा के। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। सारे सुख रब दे गुण गा के ही मिलदे हन। ते जे होमे विच रह के जीवन बतीत कर लिया ते फिर जीवन व्यर्थ चले जाएगा। नाम दे नाल जुड़ के जीवन व्यर्थ करो। नानक परपंच किया धुर करता पूर्व लिखिया कमाए। उस परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई है ते जीव उही कर्म करते ने जो धुर दरगाह तो उन्हां दे मथे उत्ते लेख लिखे होंदे ने। जिहड़े असीं कर्म करदे आ ना इन्हां दे संस्कार बनते ने ते वो साडे अगे जीवन विच ऐड हो जाते ने। तीन मित्र मनुख दे, पहली है माया, दूजा परिवार ते तीजे इहदे कर्म हन। जदों इहदे प्राण पंखेरू हुंदे ने माया उसे वेले साथ छड्ड दिंदी। परिवार शमशान भूमि तक शरीर दे नाल जांदा है। ते जिहड़े कर्म ने चंगे कर लवे मंदे कर लवे वो इहदे नाल संस्कार बन के जांदे ने, वो फिर अगे प्रेरदे रहिंदे ने। जिहो जे कर्मां दे ओ संस्कार होण उहो जे कर्म करन वास्ते नूं प्रेरदे रहिंदे ने ते मनुख फिर उहो जे कर्म करी जा रहे। ते अगले सलोक विच गुरु साहिब जी कहिंदे, गुरमुख प्रतीत भई मन मानिया, अन दिन सेवा करत समाए। जेड़ा गुरु दी शरण विच रहन वाला मनुख, गुरु दे सन्मुख रहन वाला मनुख, भाव गुरु दी गल नूं मनन वाला, जिहड़ा जिहड़ा गुरु दा अनुसारी होके चलदा है उहदी गुरु दे विच शरदा बनी रहिंदी है, गुरु दे उत्ते उहदी शरदा टिकी रहिंदी है। उह इह समझ चुकिया है कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात। हुण समझ आ गई है कि जदों गुरु कृपा करे ते गुरु दा दिता होया कोई मिटा नहीं सकता। इस वास्ते वो गुरु गुरु करदा अपना जीवन बसर करदा है। उहदा मन जिहड़ा है वो गुरु दे उत्ते पतीजिया रहिंदा है। आन दिन वो हर वेले सेवा विच मस्त रहिंदा है, सेवा करदा है गुरु दे दर ते, ते सेवा विच मस्त रहिंदा है। वो सेवा करदिआं करदिआं किसे दे उत्ते धौंस नहीं जमाउंदा, वो सेवा करदिआं अंदर होमे नहीं आउण दिंदा। ते जे सेवा करदिआं वी होमे आ गए ते फिर हाथी दे शनान वर्गे ही होया ना। दुध दे विच निक्की जी कांजी दी बूंद पा दिओ ते दुध फुट जांदा है। सेवा दा मतलब ये नहीं भी मैं सेवा कर रहा है ते दूजे नूं मैं बुरा भला भी बोला, नहीं। सेवा बड़ी निम्रता मंगदी है, अति निम्रता विच आ के सेवा करनी चाहीदी है, बड़ी निम्रता विच। ते जेड़ा गुरमुख हुंदा है वो इस तरह ही करदा है। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखे सब आए। उदे अंदर सदा गुरु टिकिया रहिंदा है, कह लो भी वो सदा गुरु दी याद विच ही जुड़िया रहिंदा है। गुरु अंदर टिकिया रहिंदा है। फिर कहिंदे सब पूजे, ते वो सारिआं दा माण सत्कार करदा है, किसे नूं बुरा भला नहीं बोलदा, सारिआं दा माण सत्कार करदा है, सारिआं नूं प्यार वंडदा है, आदर सत्कार दिंदा है। सतगुर का दर्श देखे सब आए, ते सारिआं दे विच ओह गुरु दा दीदार करदा है। फिर अगे साहब जी आखदे, मन्निए सतगुर परम बिचारी, सब तो
उची विचार दे मालक गुरु दे विच अपनी श्रद्धा बनाउणी चाहीदी है। गुरु साहब जी दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच आपां अपनी श्रद्धा बनाउणी है। साडा सिर झुके ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे झुके, जे कोई सानू पता है कोई साडा वीर भरा किते होर जाके अपना सिर झुकाउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं छड के, ते उहनूं वी अपना समझाउणा आपां प्यार दे नाल कि नहीं भाई प्यो प्यो ही हुंदा है, पिता वर्गा प्यार किसे होर तों नहीं मिल सकदा। पिता को प्यार ना परोसी पह पाईए। ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे पिता हन, साडी मां है। असी अपना सिर इन्हां अगे झुकाउणा है, मत्था असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं टेकना है। होर किते जाके नक गोडे नहीं रगड़ने, कुछ नहीं प्राप्त होना, कोई फायदा नहीं होना। जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सकदे ना, वो कोई मनुख नहीं दे सकदा। सतगुरु ते श्रद्धा बनाउणी है। जो उच्ची विचार दा मालक है, जित मिलिया तिशना भुख सब जाए, कहिंदे जिस दे मिलाप दे नाल माया दी सारी त्रेह दूर हो जाती है, तृष्णा मुक जाती है। माया वल फिर मनुख नहीं दौड़दा, वो रब दे गुण गाउंदा ते माया उहदे मगर दौड़दी है। नहीं तो जिहड़े माया जोड़दे जोड़दे चले गए, वो कुछ भी नाल लैके नहीं गए। जैसे मध माखी सींच सींच के एकत्र करे, आए मध हरे ताके मुख छार डार के। जैसे धार खोद खोद बिल साजे मूसा, पैसत सर्प ताए खाए ताहे मार के। जैसे बश हेत गऊ संचत है खीर, ताहे लेत है हीर दोहे बशरा बिडार के। तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड, अंत काल छाड़ चाले दोनों कर चार के। कहिंदे मधु मक्खी ने बड़ी मेहनत करके शहद इकट्ठा किया, उहदे काम नहीं आया, मनुख आया उहदे अखी घटा पा के उहनूं धोखा दे के सारा शहद लै गया। चूहे ने मूसे ने धरती विच बिल बनाई, खुड कढ़ी उहदे काम नहीं आई, सप्प पै गया उहदे विच उहदा भोजन बना लिया ते उस खुड ते बिल ते उहने कब्जा कर लिया। गऊ ने अपने पुत्र वास्ते वछड़े वास्ते अपने थणा विच दुध एकत्र कीता ते थोड़ा जिहा विखावा करके थोड़ा जिहा वछे नूं पिला के मालक ने दूर बन दिता, सारा दुध आप निकाल लिया। इस वास्ते करोड़ां जतन करके मनुख माया इकट्ठी करदे पर अंत समय खाली हथ छड के इथों चले जांदे, माया इत्थे रह जांदी है। इनू एक विद्वान ने इस तरह बयानिया, कहिंदे कि खोदत खोदत मूसा मर गया मौज लई भुचंगे ने, सींचत सींचत माली मर गया मौज लई पिरंगे ने। भी माली जिहड़ा सिंजदा सिंजदा फुल जिहड़े पालदा थक गया, इहदा भाव थक गया, पर भौरा आया बैठ के मौजां माण गया। चूहा बिल बनाउंदा थक गया, उहदे विच सप्प पै के उत्ते कब्जा कर गया। माया जोरत किरपन मर गया मौज लई वरतंगे ने, सूमे धन राखन को दिया। ऐसा मनुख जिहड़ा बड़ा सांभ के माया रखदा है, उहदी मौत हो गई अगों उहदे पुत्तर धीआं उहनां ने माया नूं वरतिया मौजां माणियां। दुनिया सगली धंदे मर गई मौज लई वरतंगे ने, मौज लई सत संगे ने। धंदियां विच खप खप के सारी लुकाई मर रही है, पर जिहड़ा सत संगत करदा ना अपने काम काज चों समां कढ के गुरु दी संगत विच बहिंदा है, आत्मक आनंद उहनूं ही मिलदा है। जदों असी गुरु दे उत्ते श्रद्धा बनावांगे फिर गुरु कृपा करेगा, साडे अंदरों तृष्णा खत्म हो जाएगी।
हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए। मैं अपने गुरु तो बलिहार जांदा सदा कुर्बान जांदा क्योंकि गुरु सच्चे प्रभु दे नाल मिला देंदा है। अखीरली पंक्ति विच आखदे नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरनी लगे आए। जो गुरु दी चरनी लग गए गुरु दी शरण विच आ गए उन्हां फिर रब्बी बख्शिश हासिल कर ली, रब दी मेहर उन्हां दे उत्ते हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जे होमे विच ही रह ते फिर गल नहीं बननी, होमे विच ते उह दुर्योधन हुणी वी सन जिन्हां आखिया कृष्ण जी आउण वाले ने, जदों आउणगे बाद विच सानू सद्यो, जदों असी आवांगे सारे लोग खड़े होणगे, कृष्ण जी भी साडे सत्कार लई खड़े होणगे। उह बिदर दे घर चले गए ते जदों पता लगा फिर गुस्सा कीता, कहिंदे उत्थे झौंपड़ी विच गोले दे घर विच जा के की मिलिया, ते आखिया उत्थे गुण गाउंदिया रात बतीत कीती, उत्थे रब दा नाम मिलिया है। इस वास्ते असी उहदे घर गए कि उहदे अंदर निम्रता है, ताडे अंदर होमे ते अहंकार है, ते अहंकार किसे नूं भी चंगा नहीं लगदा, ना संसार नूं चंगा लगे ना निरंकार नूं चंगा लगे। इस वास्ते निम्रता विच आ के बड़ी सेवा भावना दे नाल परमात्मा दा नाम जपिए, जिहदे जपण नाल साडा जन्म सफल हो जावे। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।